आज मैं आचार्य शशिकांत पांडे सत्य सनातन जीवन यूट्यूब चैनल, हमारे साथ पूज्य महाराज जी और आचार्य श्री संजय गुरु जी जो कि वृंदावन के वैदिक आचार्यों में आपका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। गुरु जी, एक जानकारी मैं करना चाह रहा हूँ। क्रौंच क्रौंच पक्षी जो है, इसके ऊपर महर्षि वाल्मीकि ने एक श्लोक की रचना की। पहले तो आप हमको थोड़ा उस श्लोक के बारे में बताइए। मैं आपसे सीखने की जिज्ञासा से मैं पूछ रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं और वैदिक सनातन धर्म में जो काव्य की रचना हुई है उसमें ये प्रथम श्लोक है क्रौंच पक्षी से संबंधित जी। मानिषाद प्रतिष्ठा त्वं अगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहिता। ये शास्त्रों के अनुसार वाल्मीकि जी ने भी इसकी रचना नहीं की बल्कि स्वयंभू है, स्वतः उनकी अंतरात्मा से प्रकट हुआ है। ये कैसे प्रकट हुआ? छोटा सा एक घटनाक्रम है जी। नित्य की भांति महर्षि वाल्मीकि जी प्रातः काल उठ करके अपने नित्य नैमित्तिक काम कर्मों के संपादन हेतु अपने शिष्य परिकर के साथ में स्नान करने के लिए सरोवर पे तालाब पे गए। उनका शिष्य परिकर भी साथ में था जो उनके वस्त्र आदि लेकर के गुरुजी के पीछे पीछे चल रहा था। जैसे उस सरोवर के पास तालाब के पास पहुंचे तो सामने बिल्कुल उस किनारे पे दूसरे किनारे पे उनकी दृष्टि क्रौंच के जोड़े पे पड़ी जी। क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा जो आपस में विहार कर रहा था संतान उत्पत्ति हेतु जी। और जैसी नजर पड़ी, नजर पड़ने के कुछ क्षण पश्चात देखा कि कहीं से एक तीर आया जिसको किसी बहेलिया ने छोड़ा था जी। और वो जो पुरुष क्रौंच पक्षी था जी उसके हृदय में लगा, वहीं पर लहू से लथपथ वो पुरुष क्रौंच छटपटाने लगा। और ये कुछ क्षण का ही दृश्य जी। वाल्मीकि जी महाराज की दृष्टि पहले पड़ी और उनके देखते ही देखते इतना घटना घट गई तो थोड़ा सा व्यथित हुआ उनका हृदय। और व्यथित होते ही उनके मुखारविंद से ये सुंदर भाव प्रकट हुआ, मां निषाद प्रतिष्ठा तुम, अरे निषाद इस समा शाश्वती ही शाश्वती पृथ्वी में, शाश्वत पृथ्वी में मानिषाद प्रतिष्ठा तुम, तुम्हें कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। हे बहेलिए, हे निषाद, इस पृथ्वी लोक में तुझे कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तूने यत् क्रौंच मिथुनादेकम्, क्रौंच पक्षी के जोड़े जो काम से व्यामोहित हो रहे थे उनमें से तूने एक का वध कर दिया। यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहिता, इसलिए तुझे इस पृथ्वी पर कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। ये भाव उनके अंतःकरण से निकला जबकि उन्होंने जानबूझकर के नहीं कहना चाहा, ये श्राप नहीं देना चाहा,
उसके बाद में उन्होंने स्नान भी किया पर जैसे तैसे। महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी जी स्नान करके अपने आश्रम में आ गए, वो भी जैसे तैसे। आश्रम में संध्या उपासना के लिए बैठे, वो भी कितना किए कितना नहीं किए उनको भी नहीं पता, जैसे तैसे, क्योंकि भगवान इस दृश्य के माध्यम से बहुत कुछ करवाना चाहते थे। उनके खिन्न मन बैठे हुए देख करके साक्षात पितामह ब्रह्मा जी वहां पधारे और उन्होंने कहा कि आपने काव्य रचना का शुभारंभ तो कर दिया है, अब आप भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के गुणानुवादों का वर्णन कीजिए। इससे प्रेरित होकर के वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना की। जी जी, तो मैं ये इस विषय पर मैंने आज गुरुजी आपसे इसलिए चर्चा किया कि ये जो क्रौंच पक्षी है, इस क्रौंच और क्रौंची के प्रेम विहार को देख करके और महर्षि वाल्मीकि जी के अंदर से जो उद्गार उत्पन्न हुआ, अब फिर उन्होंने आदि महाकाव्य जो कि महाकाव्यों में सर्वश्रेष्ठ सबसे पहला जो है वाल्मीकि रामायण की उन्होंने रचना की, और वह वाल्मीकि रामायण ऐसा जो कि उसमें भगवान श्री राम के पूरा गुणों का वर्णन है। वह क्रौंच पक्षी जो है अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता होगा? अभी तो उसके दर्शन भी मुश्किल हो रहे हैं। नहीं, अभी हमने इसीलिए ये जिज्ञासा किया जानने के लिए, क्योंकि संस्कृत के माध्यम से आपने हमारी संतुष्टि कर दी। इसके लिए मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा जो भी सत्य सनातन जीवन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कि गुरुजी के माध्यम से आप सब लोग जान गए कि वही क्रौंच क्रौंची जिसके नाम पे महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की, वो क्रौंच पक्षी आज के डेट में उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है जिसको सारस के नाम से हम लोग जानते हैं। हमें इस चीज की जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने उसको गूगल के वेबसाइट पर जाकर के चेक किया, गूगल में उसका पूरा डिटेल देखा, तो क्रौंच जो है वो सारस है। अब एक मैं छोटी सी घटना, मैं जो उसके साथ प्रेम का जो मैं देखा कि क्या क्रौंच के जाने पे क्रौंची ने अपना प्राण निछावर कर दिया, उसको इतना क्रौंच से प्रेम था। भाई कोई भी तत्काल अपना प्राण निछावर नहीं कर सकता, लेकिन क्रौंच के जाने पर क्रौंची ने तुरंत अपना प्राण निछावर कर दिया। तो इस चीज की पुष्टि करने के लिए मैं देख रहा हूं कि ही वर्तमान में एक घायल सारस पक्षी जिसको कि एक व्यक्ति हैं कोई आरिफ गुज्जर नाम के, जिन्होंने उसको पकड़ के माने घायल अवस्था में देखा और घायल अवस्था में देखने के बाद उनको घर पे लाए, उस सारस का पैर टूट गया, असह्य पीड़ा में था, और उसको ला करके उन्होंने अपना इलाज किए। इलाज करने के बाद वो पक्षी स्वस्थ हो गया। अस्वस्थ होने के बाद उसको बांध के नहीं रखे, लेकिन वो अपना जोड़ा बिछुड़ चुका था और वो पक्षी का प्रेम इतना हुआ कि उस व्यक्ति के साथ वो चलना उठना बैठना सब, उसके साथ खाना, शुद्ध शाकाहारी पक्षी ना करना शुरू किया। अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उस पक्षी को देखने चले गए, वहां पर जब गए दूसरे दिन उस पक्षी को पकड़ के जो चिड़ियाघर होता है वहां पर डाल दिया गया, उसके नाम पे वो विवाद हुआ।
लेकिन मैंने जो कल 11 अप्रैल 2023 को जो मैंने कल उसका मैंने वीडियो देखा कि उस पक्षी को पकड़ के और कानपुर चिड़ियाघर में उसको क्वारंटीन किया गया। एक बड़ा सा हॉल है, उसमें चारों तरफ सफाई करके कर दिया गया है। वहाँ पे बहुत लोग जितने चिड़ियाघर के अधिकारी हैं और भी जो हैं वहाँ पर, वो व्यक्ति जिसने उस पक्षी को पकड़ के उसका इलाज किया था वहाँ पर जो गया है उसका मैं स्क्रीन शॉट लिया हूँ, वो वीडियो भी मैं इसमें जोड़ दूँगा। उस पक्षी, उस मतलब कि व्यक्ति को देख करके वो पक्षी ऐसा अपना प्रेम प्रदर्शित किया, ऐसा प्रेम प्रदर्शित किया जितना कि इंसान भी नहीं कर सकता है। उसको उसके पास तक नहीं जाने दिया गया, उस व्यक्ति के ऊपर पूरा मतलब कि क्वारंटीन के लिए मास्क टोपी इत्यादि इत्यादि सब लगाया गया था। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को वो पक्षी देखा, क्या उसका मतलब कि प्रेम, यहाँ पर मैं यहाँ पर बस एक ही चीज यहाँ पर सिद्ध करना चाहूँगा मुझे तो अपना उसकी उसी के आधार पर इतना बड़ा ग्रंथ की रचना होंगे। लेकिन ये क्रौंच और सारस पक्षी जो है एक प्रेम का अद्वितीय प्रमाण है। तो आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, सारस पक्षी एक प्रेम का अद्वितीय प्रमाण है। अब मैं चाहूंगा कि अगर हमारी बात अगर सरकार तक पहुंचे तो उस पक्षी को जैसे कैद करके रखा गया है उसको स्वतंत्र किया जाए। मैं आज सत्य सनातन जीवन यूट्यूब चैनल से यही अपना आग्रह करूंगा। तो स्वतंत्र जय श्री कृष्ण।